अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम आज कुर्ची शहर में हैं और कुर्ची शहर में कई सारे उर्दू स्कूल हैं और तमाम उर्दू स्कूलों का हम जायज़ा लेते हुए ये तहकीक कर रहे थे कि जितने भी उर्दू स्कूल्स हैं वहाँ पर जो जिस्मानी तालीमात यानी कि पी टीचर्स वो बजाय उर्दू के दिगर लैंग्वेजेस में उन्होंने इल्म तालीम हासिल की हुई है और उनके पास यानी कि उर्दू वो सीखे हुए नहीं है, उर्दू नहीं जानते, इस तरह से उनका कहना है। छःवीं सातवीं आठवीं और दसवीं के क्लासेस के हम टीचर्स के और स्कूल के हेडमास्टर से हमने मुलाकात की और यहाँ पर देखा कि स्कूल उर्दू है लेकिन दिगर लैंग्वेजेस में जानकारी रखने वाले टीचर्स वहाँ अपॉइंट किए गए हैं। तो लिहाजा हमारी मांग और कोशिश यही है कि उर्दू स्कूल में उर्दू टीचर्स को रखा जाए, मराठी स्कूल है, कन्नड़ स्कूल है या अंग्रेज़ी है तो वो जानने वाले उन जानकार टीचरों को वहाँ पर अपॉइंट किया जाए। क्योंकि बुक अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर कि उर्दू में ये जो किताबें हैं जिस्मानी तालीमात यानी फिज़िकल एजुकेशन ये उर्दू में है। अगर कोई टीचर उर्दू में वो इल्म हासिल नहीं रखता या उर्दू का इल्म नहीं रखता और अगर उर्दू की किताब उसे दी जाए तो वह बच्चों को किस तरह से उर्दू सिखा सकता है। लिहाजा इसी का एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए हम कुर्ची में आए थे। यहाँ पर RMS स्कूल में हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से दिगर स्कूलों में जाकर हम वहाँ भी क्या कैफियत है, वहाँ भी क्या उर्दू कहीं पर टीचर अपॉइंट की हुए, पी टीचर को अपॉइंट किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इस पर भी हम आगे आपको इसकी रिपोर्ट का एक हिस्सा आपको दिखाते रहेंगे और इस पर आप ही फैसला कीजिए कि क्या इस तरह से जो तालीमी महकमा में तालीमी इदारों में अगर टीचर कन्नड़ है, मराठी है, मराठी है तो मराठी के लिए होना चाहिए, कन्नड़ है तो कन्नड़ के लिए होना चाहिए, अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी के लिए होना चाहिए, इस तरह की एक ज़मीनी रिपोर्ट बनाकर हम हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कुर्ची के RMS स्कूल में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ दो पी टीचर हैं। सर आपका नाम बताइए। सर RS मिटारी। सर सर आपका नाम क्या है? BD हलोर। सर सर पी टीचर तो आप हैं, कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर ये तो 27 ईयर्स हुआ सर। 27 ईयर्स से यहाँ पर वो अपने खिदमात अंजाम नहीं सर, कुल मिलाकर कुल मिलाकर 25 साल से। लेकिन अब जो बुक्स आए हैं सर पी में वो उर्दू में हैं, तो वो उर्दू में आप कैसे पढ़ते हैं सर? सर देखो हमें एक कन्नड़ बुक लिए उसके साथ, उसे ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ हमारा भी पहले वक्त आया था उर्दू आता ना था, अभी थोड़ा थोड़ा हिंदी आ रहा है हमको। इसके लिए क्या करते हैं, मैं बच्चों को कितना हमसे कोशिश होता है ना उतना में उनको ट्रांसलेशन करको बोलता है सर। तो हमारी ये डिमांड है कि मीडियम वाइज पी टीचर्स को रखा जाए क्योंकि आपको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि उर्दू बुक रहेगी आप उर्दू उतना फ्लुएंटली नहीं पढ़ा सकते जितना आप कन्नड़ पढ़ा सकते हैं या मराठी पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश अगर कन्नड़ है तो वहाँ पर कन्नड़ टीचर रहो, मराठी स्कूल है तो मराठी में पढ़ाए, अंग्रेज़ी हो तो अंग्रेज़ी में स्कूल पढ़ाए। आप कोशिश करके बच्चों को अच्छी तालीम देने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि उर्दू में आप पढ़ नहीं सकते, बेहतर ये कहना। वो सही बात है सर, वो तो उर्दू हमने आता नहीं, पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम उसके बारे में एक कोशिश करके बोलते हैं। कन्नड़ में हमारा बुक ले हैं सब क्लास का 6 to 10 तक, हमें क्या करते हैं उसके बारे में वो कन्नड़ में देखो उनको उर्दू में बोल सकते। RS मिठारी सर ये कह रहे हैं कि भले कोई भी मीडियम हो वहाँ पर जो है हिंदी में ही, जैसे दाएं मुड़ बाएं मुड़ पीछे मुड़ एक साथ राष्ट्र की शुरू कर वगैरह जो है ये तमाम हिंदी में ही बातें होती हैं, लेकिन इस बात को भी उन्होंने कबूल किया है कि उर्दू पढ़ने में दिक्कत आती है लेकिन हम उसको कन्नड़ में ट्रांसलेट करके सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर मिठारी सर में मतलब 25 साल से वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वह इस बात से भी इत्तफाक रखते हैं। सर न्यू पी टीचर निम्न सर सर बीमप्पा हलिमनि सर। हलिमनि सर सर इत पी ए बुक्स उर्दू दल अदाव ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಸರ ಕನ್ನಡನೂ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್। ಅಂದರೆ ಉರ್ದು ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಕ
कुड़ची के एक और उर्दू गर्ल्स हायर प्राइमरी हाई स्कूल में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमने दिगर स्कूलों का भी एक जायज़ा लिया तो जिस्मानी तालीम पढ़ाई तो जाती है लेकिन वहाँ पर जो टीचर रखा हुआ है वो उर्दू पढ़ता नहीं है, दिगर लैंग्वेजेस में वो पढ़ते हैं। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो वो फिर सिखाते कैसे हैं, क्योंकि किताबें तो उर्दू में हैं। वो फिज़िकल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक जो है वो अभी उर्दू में आ रही है, हमारे यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड को उर्दू में है, और पढ़ाने वाले जो है वो दिगर मीडियम से हैं, कन्नड़ा मीडियम से वगैरह ऐसा हैं। तो बाद में एनुअल एग्ज़ाम के अंदर SA1 SA2 के अंदर उनका एग्ज़ाम भी पेपर भी लिया जाता है, उसमें वो पेपर निकाल भी नहीं सकते और उसको चेक भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं सब्जेक्ट पढ़ाने वाले उनकी वो पेपर्स भी वही निकालते हैं, पेपर चेक भी वही करते हैं फिज़िकल एजुकेशन का। वो जो पी टीचर है उनके हाथ से वो नहीं होने वाला काम। वही बता रहा हूँ मैं कि सवाल यही है कि अगर उर्दू नहीं आता उनको तो उर्दू में वो बच्चों को सिखाते कैसे हैं, अगर सिखा नहीं पा रहे तो उर्दू में किताबें छपनी का मतलब क्या है? नहीं, वो सिखा तो नहीं पाते। पहले कन्नड़ा में टेक्स्ट बुक थी वो चलता था, अभी उर्दू में टेक्स्ट बुक है फिज़िकल एजुकेशन की, वो सिखा तो नहीं सकते फिज़िकली, ऐसा क्वेश्चन आंसर या तो पढ़ाना, पेपर लेना, चेक करना, वो नहीं कर सकते। फील्ड के अंदर तुम्हारा वो फील्ड में काम कर सकते हैं, खिलाने का करने का। आप इस मसले को आप गहराई से समझ रहे होंगे, संजीदगी से भी समझ रहे होंगे, आप इसमें कुछ रद्दबदल की मांग करते हैं क्या? अभी जैसा कि मीडियम वाइज, जैसा कन्नड़ा मीडियम है तो वहाँ पर कन्नड़ का कन्नड़ जानने वाला टीचर हो, और मराठी मीडियम है तो मराठी जानने वाला पी टीचर हो। जैसा कि हमारी उर्दू मीडियम है वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का टीचर भी जो है उर्दू हो तो अच्छा होता। जी, आपका नाम बताइए। अशफाक जहांगीर। जैसे अशफाक भाई यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि लैंग्वेजेस के हिसाब से उस तरह से टीचर्स को वहाँ पर वो अपॉइंट किया जाए, जहाँ कन्नड़ा मीडियम के स्कूल्स हो वहाँ पर कन्नड़ा में हो, अंग्रेज़ी मीडियम में अंग्रेज़ी के टीचर्स को अपॉइंट किया जाए। लिहाजा ये देखने में आ रहा है कि पूरे तकरीबन रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों का अगर जायज़ा लिया जाए, बेलगाम शहर में भी हमने देखा है और आज हम यहाँ कुड़ची में आए हैं, कुड़ची में मुख्तलिफ स्कूलों का हमने जायज़ा लिया, तो यहाँ एक शिद्दत से महसूस करने वाली बात 99% भी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि उर्दू स्कूलों में दिगर मीडियम के टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो उर्दू नहीं जानते। अब जब उर्दू नहीं जानते तो वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाते होंगे, एक बड़ा मसला है। और इसे लेकर जिस तरह से एक मशवरा प्रिंसिपल अशफाक साहब ने दिया है कि मीडियम के हिसाब से टीचर्स को अपॉइंट किया जाए। तो जाहिर है जिस्मानी तालीम भी यहाँ पर है, पी टीचर भी हैं तो सर यहाँ जी हैं, पी टीचर हैं, पी टीचर हैं सर। पी टीचर का नाम क्या है? उन्होंने उर्दू जानते हैं? पी टीचर दीवी मैडम सावंत बोल के हैं सर। तो उन्होंने उर्दू नहीं जानते? नहीं आता सर, लेकिन ये बच्चों के साथ एक साल में क्या है सीखें थोड़ा उर्दू बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत से मुराद क्या है, जब उर्दू में लिखा हुआ है किताबें? नहीं सर, वो नहीं है।